जेएनयू के कुलपति जमीर उद्दीन शाह बोले, हिंदुओं को गिफ्ट करे पूरी जमीन वक्फ बोर्ड। अयोध्या पहुंची अनुराधा पौडवाल ने कहा, पहले राम भक्त हूं बाद में कलाकार, जल्द होना चाहिए राम मंदिर निर्माण। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, राम मंदिर न बनने से ऐसा लगता है जैसे देश अभी तक आजाद ना हुआ हो। जय श्री राम सभी को। मैं हनी तोमर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो में हम अयोध्या राम जन्मभूमि के विषय में इस हफ्ते की तीन बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एएमयू के पूर्व कुलपति के बयान के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति व सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह हिंदू मुस्लिम एकता के पहले से पक्षधर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने कार्यकाल के दौरान उनके कुछ कार्यों एवं फैसलों पर कट्टरपंथी काफी नाराज हुए थे। दरअसल लखनऊ में एक इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के बैनर तले आयोजित मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड की 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को उपहार में देने की कही है। जमीरुद्दीन शाह को पता है और वह चाहते हैं कि जितनी भी जमीन है वो सभी हिंदुओं को दे देनी चाहिए। रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हुई सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने गुरुवार को रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास न होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ भगवान राम को ही बंद करके रखा गया है, तो जाहिर सी बात है जब तक वह बंद रहेंगे तो विकास कैसे होगा। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि वह एक कलाकार से पहले एक राम भक्त है और जब भी अयोध्या आती है तो अपने इष्ट का दर्शन करते हुए बस यही मांगती है कि वह जल्द से जल्द एक शानदार मंदिर में बैठ जाए, क्योंकि जो पूरी हिंदुस्तान की पहचान है उनका शानदार स्थान होना चाहिए। अब पूरी दुनिया की उम्मीदें लगी हुई है कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा। रामलला के दर्शन के बाद वो लखनऊ रवाना हो गई। रामलला के दर्शन के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। अयोध्या में यथास्थान मंदिर बनाकर उसमें भगवान राम को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह बात पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कही है। वह चैतन्य विहार में अपने आश्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि जिन लोगों ने किसी काल में मंदिरों को ध्वस्त किया उन्हें पराक्रमी नहीं बल्कि आतंकवादी माना जाना चाहिए। देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से इन्हें आतंकवादी घोषित करने की मांग की जानी चाहिए। इसके बाद स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही अयोध्या राम जन्मभूमि की सुनवाई में पुराणों में राम जन्म का स्थान न मानने को लेकर अपनी वेदना को बताया और कहा कि आस्था और श्रद्धा के बिना राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। वह बोले कि राम मंदिर न बनने देना सिद्ध करता है कि संविधान परिपूर्ण नहीं है, यह विदेशों की नकल से युक्त है। इस हफ्ते की प्रभु श्री राम व पावन भूमि अयोध्या से जुड़ी एक खबरें थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही है उसकी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आगे की कोई खबर ना छूटे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।